हेलो मेरे यारों, तो स्वागत है आप सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे यानी मैजिकल रिएक्शन पे। और मैं आ चुका हूँ एक बार फिर एक और रिएक्शन लेके। सो अभी हम सुनने वाले हैं रैप डीमन को कमिंग स्ट्रेट आउट ऑफ इस्लामाबाद। और जो ट्रैक पे हमारा रिएक्शन होगा उसका नाम है हम द फिफ्थ ट्रैक फ्रॉम द ईपी बैड इज ब्राउन बॉयज। सो भाई, इस ईपी के बारे में बात करें तो हर ट्रैक कुछ अलग किस्म का और बहुत ही मजेदार है। तो अब चलो, अब हम आ चुके हैं, तो समय बर्बाद नहीं करते हुए स्ट्रेट अवे वी गोना जंप इनटू द रिएक्शन। एंड टू ऑल द रैप डीमन फैंस, टू ऑल माय पीपल वाचिंग दिस रिएक्शन फ्रॉम इस्लामाबाद फ्रॉम पाकिस्तान, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक योर बॉय ग्रो। सो लेट्स स्टार्ट इट बेबी। बूम, हाई जोन रिकॉर्ड्स। हम From the EP, written produced. Okay, so this track is also produced by Rap Demon. यार मैं बहुत बड़ा फैन हूँ for Rap Demon the producer, because बंदा as a producer ना बहुत ज़्यादा underrated है। ज़्यादा बातें नहीं होती है भाई की beats की, लेकिन अगर तुम beat को सुनोगे ना, you will fall in love for sure. तो इस पे चेक करते हैं इसको, चलो। Rap Demon. Are you gonna listen when I talk? मैं शहर से दूर तो vibe off. मैं खुद से ही पूछूं के क्या है खौफ, मैं खुदा से पूछूं के क्या है मौत. अब रात के बच्चों के ढाई दो हसा. That's a different kind of track, bro. That's a different type of track, because जब जब हम रैप डीमन को सुनते हैं, so what we expect from him is something hardcore, something aggressive. बट यहाँ पे थोड़ी soft beat शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत भी हो रही है. It seems like a storytelling. तो यार इंटरेस्टिंग होगा इसको चेक करने में. चलो थोड़ा फोकस करके सुनते हैं गानों को. क्या है खौफ, मैं खुदा से पूछूं के काय मौत. अब रात के बच्चों के ढाई दो हसास, मैं सोचें भी साइको. वो पास नहीं तभी तो आईज क्लोज, वो खास वो मेरी ये हाई जोन. बेबी टू लेडी एंड आई एम डम, आई लव दैट यू लव मी व्हेन आई डोंट. बेबी टू डे क्या था? जॉनसन भी था फास्ट एंड फ्यूरियस, उसमें जो विन डीजल का रियल कैरेक्टर नेम रहता है वो रहता है डॉम, एंड द लेडी उसका नाम लेटी. सो दैट्स द रेफरेंस फ्रॉम देयर. सो दैट वाज अ गुड वन मैन, दैट वाज अ गुड वन. वो खास वो मेरी ये हाई जोन. बेबी टू लेडी एंड आई एम डम, आई लव दैट यू लव मी व्हेन आई डोंट. मैं इधर से उधर व्हेन आई एम होम, एंजाइटी के टूटे द साइक्लोन. वो कर रही कॉल्स बट आई एम गॉन, आई स्वेयर मुझे पता नहीं कहां है फोन. शी थिंक्स दैट आई एम फकिंग अ साइड हो, आई एम बट आई डू वांट अ काइंड ऑफ. वो तंग मेरे नशों से, वो तंग मेरी चरसों से, वो समझती नहीं है ये, मैं तंग बैठा बरसों से, और सोया नहीं परसों से. That was fucking deep, man. That was fucking deep. Means it seems like he is dealing with something inside. वो जो बंदी है वो मेरे नशों से परेशान है, मेरे चरसों से परेशान, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं किस चीजों से डील कर रहा हूँ. मे बी ही इज टॉकिंग अबाउट हिज डिप्रेशन और हिज एंजाइटी, कुछ भी हो सकता है ब्रो. दैट्स द रीजन ही इज टेकिंग दोस जॉइंट्स एंड पफ्स. सो उसको वो नहीं पता, उसको क्या दिख रहा है कि मैं नशे कर रहा हूँ, मैं चरस पी रहा हूँ, बट द इनसाइड अंदर क्या चल रहा है मेरे अंदर वो उसको नहीं पता. सो बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स. भाई साहब, दैट वॉज डीप मैन, एंड दैट वॉज ब्यूटिफुली रिटन. मस्ती नहीं है ये, मैं तंग बैठा बरसों से, और सोया नहीं परसों से. मैं नफ्स के लफड़ों में, मैं शख्सी वो नहीं हूँ अब, किस कफस में पकड़ोगे. माँ तेरे कदमों में जन्नत, और मैं तुझसे दूर एक दोजख में. आजकल जब बेटा तेरा बाहर जाता तो लोग आके फोटो. जितनी बार भी मैंने पोस्ट किया यार, जितने बार्स के बारे में मैंने अभी तक बोला, वी आर जस्ट 1 minute and 7 seconds into this track, लेकिन मैं बोल सकता हूँ अभी तक, अभी जो बार ये हुआ, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैंने जो सुना है. सुनो बस यार, सुनो. हम जब घर से दूर रहते हैं ना, घर पे रहते हैं तो हम ज्यादा मतलब वो दिखता नहीं है हमें, लेकिन घर से जब दूर जाते हैं तो पता लगता है कि माँ क्या चीज है मेरे भाई, माँ क्या चीज है. सुनो इसे एक बार. और मैं तुझसे दूर एक दोजख में, थोड़ा पीछे सॉरी फॉर दैट. और सोया नहीं परसों से, मैं नफ्स के लफड़ों में, मैं शख्सी वो नहीं हूँ अब, किस कफस में पकड़ोगे. माँ तेरे कदमों में जन्नत, और मैं तुझसे दूर एक दोजख में. माँ तेरे कदमों में जन्नत, और मैं तुझसे दूर. मुझे पता है मेरी जन्नत कहाँ है, बट स्टिल आई एम नॉट देयर. मैं रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज ड्यूरिंग माई हॉस्टल डेज भी मैंने अकेले गुजारे. और अभी तो यार वर्क कल्चर, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो घर पे है सबके साथ है, लेकिन जल्दी ये वर्क कल्चर भी खत्म होने वाला है, तो वापस बैक टू पुणे अकेले रहना, सारी चीजें अरेंज करना, तुम्हें पता है ब्रो क्या क्या तुम मिस करते हो.
शी इज द ओनली पर्सन यार जो मतलब खुद के बारे में ज्यादा ना सोच के तुम्हारे बारे में सोचती है. सो यू शुड जस्ट शो योर लव टू हर, बिकॉज हम भाई एक्सप्रेस नहीं करते अपने माँ बाप को कि हम कितना प्यार करते हैं, जो हमें करना चाहिए. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट टिल नाउ, द बेस्ट. कफस में पकड़ोगे माँ तेरे कदमों में जन्नत, और मैं तुझसे दूर एक दोजख में. आजकल जब बेटा तेरा बाहर जाता तो लोग आके फोटो लें, पर ये मेरे विजन को समझे ना, देखे नहीं इनकी वो फोकल लेंथ. और चौड़े में बोलू मैं हेटर्स को, भिड़ लो यू नो हु यू फकिंग विल. करो मैं कर चुका, मारोगे मर चुका. हंसता जब लौंडा कोई कहता वो मुझसे बड़ा फैन है अंजुम का. मैं चल चुका रहा है गुड की हंसता, मैं हंसता हूँ यार जब सामने मुझे आगे कोई बोलता है ना मैं फैन भाई अंजुम का, मैं बड़ा फैन हूँ, तो भाई हंसता है कि ब्रो आई एम द बिगेस्ट. और यू कैन से क्या ही बोल सकते हो ब्रो, आइडल है उनके तला अंजुम, तला ही उन्हें भाई रैप डीमन का आइडल है, एंड ही इज मेकिंग सॉन्ग्स विद देयर आइडल, दैट्स अ बिग डील. सो दैट वाज अ गुड वन, गिविंग अ शाउट आउट. उसके पहले जो था वो मतलब बस चार वर्ड था, बट इट वॉज फकिंग डीप. मारोगे मर चुका, तुम मुझे क्या मारोगे ब्रो, आई एम ऑलरेडी डेड इनसाइड. क्या ही लिख दिया यार ये गाना. मतलब ऐसा कुछ है ना, कुछ कुछ एक स्टेट होता है एक आर्टिस्ट का, जब वो चाहता है अपने अंदर के जो इमोशंस है वो इमोशंस को पोर करे, एक कागज में लिखे और उसे गा दे. दिस इज वन ऑफ दोस ट्रैक जहां पर एक मतलब आर्टिस्ट अपने इमोशंस शो कर रहा है. हू आई एम लविंग इट. समझे ना देखे नहीं इनकी वो फोकल लेंथ, और चौड़े में बोलू मैं हेटर्स को, भिड़ लो यू नो हु यू फकिंग विद. करो मैं कर चुका, मारोगे मर चुका. हंसता जब लौंडा कोई कहता वो मुझसे बड़ा फैन है अंजुम का. मैं चल चुका राहे जनून पे, साथ जनूनी कमाल है. कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से बढ़कर है, सोमी मिसाल है. Earlier it was for Tala Anjum and now he is giving a shout out to his brother Soumya Chauhan. कि यार वो खून के रिश्तों को ऐसे ही बोलते हैं यार, उससे ज्यादा भी जो मतलब मैटर करता है, one of the biggest example is Soumya Chauhan, because चाहे कैसे भी सिचुएशन है ब्रो, डाउनफॉल हो अप हो, जो हमेशा साथ हो ना वो असली यार है, and for Rap Demon it is Soumya Chauhan. Amazing man, amazing. मैं चल चुका राहे जनून पे, साथ जनूनी कमाल है. कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से बढ़कर है, सोमी में साल है. ये दर्द ही ना होते तो मैं शायर ही ना होता यार. नशे आंखों से ही होते तो जॉइंट फायर ही ना होता यार. तेरी सादगी के मारे हम परफेक्ट हुक. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हुक दैट आई हैव हर्ड इन रीसेंट टाइम्स. कांपते हाथों से लिखना इन रातों को कर देता सर्द. मैं करवटे बदलूं के ख्वाबों को, नजर लगाते हैं दर्द. मैं सब्र तो रख लूं पर मेरा लिहाज ना करेगा वक्त. तसव्वुर ही कर लो कुछ बातें कसम से अब कर रहे हो हद. तब बोलो खुद गर्ज या समझो ये खुद ही हम खुद की ही सोचेंगे. जो समझेंगे साथ हैं, जो ना ये समझे वो दूर होंगे होते रहे. वो कहते के हाथों से मौके गए, मैं कहता ना हम जैसे होके गए. जो हंगामा बरपा वो धोखे थे, हम तभी वेरानी के होते रहे. हो पेरेंट ट्राई जस्ट लुक एट द वीडियो, दिस शॉट इज अमेजिंगली टेकिंग. जिसका कॉन्सेप्ट था काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है और खूबसूरत कॉन्सेप्ट लग रहा है. दिस कैमरा वर्क हियर होके गए, जो हंगामा बरपा वो धोखे थे, हम तभी वेरानी के होते रहे. हो पेरेंट ड्राइंग के फैंस की कभी ना हो दिल अजारी, भरोसा ये टूटे ना. हम साहिल से आ चुके दूर, ना कांटे ना पूल, जो टूटा वो डूबेगा. फिर लहरों से लड़कर हम लौटे जो साहिल पे, तो क्या तुम हमको समेटोगे. बैक टू रियलिटी, ऑल दिस इंसैनिटी हिटिंग मी हार्ड लाइक एयरवेव्स. है जब से भी चला हमारा बस, हम तब से कसम से किनारा कश. खामोश हूँ तो बेवकूफ ना समझ, सवाल उठाना दोबारा मत. खुदा का वक्त किसी का सगा नहीं होता. इस दैट जस्ट अबाउट टू ऑल हिज हेटर्स आउट देयर यार, जितने हो मैं मतलब खामोश हूँ, चुप हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो मुझे पागल मत समझो यार. मुझे मतलब वो पागल समझो ही मत, बिकॉज मैं अगर आया ना यू नो मैं क्या कर सकता हूँ, वॉट आई एम केपेबल ऑफ. सो डोंट फक विद रैप डीमन हियर. फो
बेवकूफ ना समझ, सवाल उठाना दोबारा मत। खुदारा वक्त किसी का सगा नहीं होता, इस घड़ी से यारी बस मतलब की। सुकून की चार एक हम सांसें ही ले लें, पर बातें ये रह चुकी हसरत सी। Love this, directed by Rap Demon and Soumya Chauhan, music by Rap Demon, DOP Norman Hassan. Maybe you can call him bro, he is the means, बोल सकते हो ये पाकिस्तानी हिप हॉप का बेला है। जैसे बेला भाई सारी चीजें खुद कर लेता है और उसके बाद भी क्या ही अमेजिंग म्यूजिक बनाता है, बट स्टिल underrated. Rap Demon is the same way, सारी चीजें भाई खुद कर लेता है, अमेजिंग म्यूजिक देता है, बट स्टिल underrated. जैसी मतलब भाई की जैसी कैपेबिलिटीज है उसके हिसाब से बंदा बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। दिस इज वन ऑफ द मास्टरपीस, बट स्टिल अभी देखो बस 95,000 व्यूज। तुम क्या सोच सकते हो, क्या ये गाना बस 95,000 व्यू डिजर्व करता है? एंड इट इज ऑलरेडी 5 days. यू नो ब्रो क्या सीन है, पता नहीं यार अच्छे गानों को व्यूज क्यों नहीं मिलते। और कल मैंने एक गाने पर रिएक्ट किया था, थारा भाई जोगिंदर, इट्स गॉट फकिंग 17 million व्यूज। क्या ही अब बोले मेरे भाई, सच एन अमेजिंग कंपोजिशन यार, बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन एंड मतलब प्योर इमोशन। ऐसा कुछ नहीं है कि फोर्सफुली कुछ बोला जा रहा है, इट वाज ऑल प्योर इमोशन, सुन के लिटरली मजा आया। सो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। इन फ्यूचर तुम्हें पता है ब्रो रैप डीमन के गानों पे मेरा रिएक्शन आता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तो मिलते हैं अगले ट्रैक पे, तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।